WazirX के फाउंडर्स निश्चल और सिद्धार्थ दुबई शिफ्ट हो गए, ये तो आप जानते ही होंगे। काफ़ी पहले ये खबर आई थी और ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कुछ और एक्सचेंज के जो फाउंडर्स हैं वो भी इंडिया छोड़कर दुबई शिफ्ट हो सकते हैं। इनफैक्ट अगर इंडिया में इस वक्त जो ट्रेंड चल रहा है क्रिप्टो को लेकर, अगर वो और कंटिन्यू रहा तो अगले 6 महीने में ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बड़े एक्सचेंजेस जो हैं कुछ बंद भी हो सकते हैं और इनके ऑफिशियल्स जो हैं वो भी दुबई या फिर किसी दूसरी क्रिप्टो फ्रेंडली कंट्री में शिफ्ट हो सकते हैं। दुबई इस वक्त क्रिप्टो हॉटबेड बना हुआ है, क्रिप्टो की जो ग्लोबल कैपिटल है वो बनने जा रहा है। क्रिप्टो एक्सचेंजेस बायबिट भी सिंगापुर छोड़कर आप जानते हैं दुबई में अपना हेडक्वार्टर जो है अपनी बेस बना रहा है। इन FTX और Binance तो ऑलरेडी दुबई में जो ऑपरेट करने का लाइसेंस है वो ले ही चुके हैं, तो ऐसे में दूसरे जो एक्सचेंजेस हैं क्रिप्टो एक्सचेंजेस पॉपुलर एक्सचेंजेस वो भी दुबई की तरफ अपना रुख कर सकते हैं। बट दुबई में ऐसा क्या चल रहा है जिससे दुनिया का जो वो क्रिप्टो हॉटबेड बनने जा रहा है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो ऐसा क्या कर रही है कि सभी पॉपुलर एक्सचेंजेस जो हैं सभी जो डेवलपर्स हैं वो दुबई शिफ्ट हो रहे हैं, ये जानते हैं क्रिप्टो इंडिया फाउंडर आदित्य से। तो दुबई अगर हम देखेंगे टेक्नोलॉजी परस्पेक्टिव से काफ़ी प्रो रहा है और काफ़ी वो वेलकमिंग नेशन भी रहा है जब नए बिल्डर्स को बुलाने की बात यहाँ पर आती है, तो क्रिप्टो को लेके भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फ्रेंडली रेगुलेशन जो आ गए हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि क्रिप्टो के ऊपर वहाँ पर कोई टैक्स भी नहीं है, तो आप चाहें तो कुछ भी आप वहाँ पर खरीद सकते हैं, आप बेच सकते हैं। तो इस कारण ये एक जब आपको एक कंफर्टेबल लॉज देखने को मिल जाते हैं किसी कंट्री के अंदर, जहाँ जो बाकी कंट्रीज में इतना इजीली पॉसिबल नहीं है, तो एक अच्छी डेस्टिनेशन बन जाती है। एंड दुबई में अगर आप देखेंगे वहाँ पर जाके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत आसान है। जैसे अगर आप देखेंगे कि क्रिप्टो में टैक्स नहीं लगे और फेवरेबल लॉज की अगर बात करेंगे तो पोर्चुगल भी एक बहुत अच्छी कंट्री है, लेकिन वहाँ पर जाके अपने बिजनेस को सेटअप करना इतना ईजी नहीं है जितना दुबई में कंपेरेटिवली है। तो उस अकॉर्डिंग इसलिए अभी एक हॉट डेस्टिनेशन बनी हुई है जहाँ पर क्रिप्टो के जितने भी बिजनेसेस हैं वो सबके सब वहाँ पर पहले मूव कर रहे हैं। और जब बड़े बिजनेसेस मूव कर जाते हैं जैसे Binance, FTX, उन्होंने भी अपने ऑफिसेस खोले, तो अब बाकी प्रोजेक्ट्स भी जो हैं उनके लिए एक हॉट लोकेशन ये बन जाती है जहाँ पर वो मूव कर रहे हैं। दुबई की जब बात आई आदित्य, तो एक और सवाल माइंड में आ गया कि इंडिया में क्रिप्टो इन्वेस्टर जो हैं अपना पैसा इंटरनेशनल एक्सचेंजेस के थ्रू भी इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ भी लगाते हैं। इंटरनेशनल एक्सचेंजेस हैं तो ऑफकोर्स इंडियन लॉ के हिसाब से तो वो चल नहीं रहे, ऑपरेट नहीं हो रहे, तो ऐसे में इंटरनेशनल एक्सचेंजेस के थ्रू ट्रेड करना और इन्वेस्ट करना इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए कितना सेफ है ये भी बता दें। देखिए अगर देखा जाए एक्सचेंजेस तो आप किसी को भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ऑल दो एक्सचेंजेस जो हैं वो यहाँ पर अपनी सिक्योरिटी के लिए वो काफ़ी इंश्योरेंस वगैरह यहाँ पर लेते हैं, लेकिन मोस्टली अगर देखा जाए इंटरनेशनल एक्सचेंजेस हैं जो हालांकि एट टाइम्स अगर हैक भी हुए हैं तो उन्होंने हमेशा रीइंबर्स किया लोगों को और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमेशा क्रिप्टो में बोला जाता है किसी एक्सचेंज का कभी कुछ भरोसा नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन है, तो कल को अगर कुछ बुरा होना होगा तो कभी भी हो जाएगा। तो बेटर तो हमेशा ये रहता है कि अगर आप क्रिप्टो बाय करके लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से होल्ड करना चाहते हैं तो अपने खुद के हार्डवेयर वॉलेट में रखें, वो ज़्यादा सेफ है, क्योंकि एक्सचेंजेस आज चल रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आगे जाके भी वो उसी तरह से अच्छे चलते रहेंगे। माउंट गॉक्स से एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आज की डेट में जो हमको बड़े एक्सचेंजेस देखने को मिलते हैं। वैसे ही अगर आप देखेंगे 2013-14 के अंदर माउंट गॉक्स सबसे बड़ा बिटकॉइन का एक्सचेंज था, लेकिन वहाँ पर भी हैक हो गया था। तो वहां पर ये इंपॉर्टेंट है, ऑल दो एक्सचेंजेस जो है अपनी सेफ्टी वगैरह इंश्योरेंस सब रखते हैं, लेकिन इन दी एंड आपका पैसा है तो आप ज्यादा उसकी सेफ्टी रखें तो वो बेटर यहां पर रहेगा। तो ये कभी भी ये मत सोचिए कि एक्सचेंज कोई आप यूज करें तो 100% सिक्योर है, ये जरूर सोच के चलिए कि गड़बड़ होने में गड़बड़ भी हो सकती है, तो उस अकॉर्डिंग अपने मेजर्स भी आप यहां पर लीजिए।